आगे बढ़ते हुए अब चुनावी शंखनाद का हम रुख करते हैं। बीजेपी बनाम कांग्रेस में घमासान की शुरुआत भी चुनावी शंखनाद के साथ हो चुकी है, लेकिन इस जंग में बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को आरोपों के दलदल में धकेलकर नई महाभारत की शुरुआत कर दी है। हालांकि कांग्रेस ने इसे नकारते हुए पलटवार भी किया है। राहुल गांधी ने पूछा, मोदी से क्यों नहीं हो रही है पूछताछ? एचएल पाहवा के साथ जमीन की खरीद फरोख्त न सिर्फ राहुल गांधी ने की, बल्कि श्रीमती वाड्रा के संदर्भ में भी कागजात पाए गए हैं। अब तक तो बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी ही रहते थे, लेकिन अब की बार जिन सियासी शत्रुओं की ओर बीजेपी ने आरोपों की बंदूक तानी है, उसमें अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का चेहरा भी शामिल हो चुका है। तार जोड़ा है जमीन घोटाले से, जिसमें पहले से ही उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। ये वही महेश नागर हैं जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के लिए भी हरियाणा और राजस्थान में जमीनें खरीदी। एचएल पाहवा के साथ जमीन की खरीद फरोख्त न सिर्फ राहुल गांधी ने की, बल्कि श्रीमती वाड्रा के संदर्भ में भी कागजात पाए गए हैं। पेट्रोलियम और रक्षा सौदे की जांचों में पैसे का ट्रेल न सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा तक पहुंचा, बल्कि अब देश जान पाया है कि जीजाजी के साथ साले साहब भी इस फैमिली पैकेज भ्रष्टाचार के में लिप्त है। स्मृति ईरानी अपने साथ लाए दस्तावेज को हथियार बनाकर प्रियंका और राहुल पर आरोपों की बमबारी की। जिस वक्त स्मृति ईरानी जमीन घोटाले के कटघरे में राहुल और प्रियंका को खड़े कर रही थी, उस वक्त राहुल चेन्नई के कॉलेज छात्राओं से मुलाकात कर रहे थे। जब उनसे रॉबर्ट वाड्रा पर सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। Everybody knows that the Prime Minister has stolen 30,000 crores and given them to Mr. Ambani. The whole country knows it. But why is there no investigation? Investigate everybody. Investigate Mr. Vadra. I'm the first person to say it. Right? But investigate the Prime Minister. चुनाव का वक्त है और बीजेपी के आरोप गंभीर हैं, लिहाजा कांग्रेस की टीम भी तुरंत मैदान में आई और ना सिर्फ स्मृति ईरानी के आरोपों को झूठा बताया बल्कि मोदी को भी घेर लिया। नफरत और बदले की आग में मोदी जी और उनकी चहेती स्मृति ईरानी जी इतने अंधे हो गए हैं कि वो अपना राजनीतिक संतुलन खो बैठे हैं और आए दिन बेसिर पैर की बातें कर देश का ध्यान भटकाने का षड्यंत्र करते हैं। कांग्रेस चूंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के बूते देश की राजनीतिक हवा को अपने पक्ष में करने की जुगत कर रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में, लिहाजा बीजेपी ने उस चेहरे पर ही वार शुरू कर दिया है। जो लूट राहुल गांधी ने की है वीआईपी चौपर घोटाले में, एयरसेल मैक्सिस डील में, और खुद 5,000 करोड़ का जो फ्रॉड नेशनल हेराल्ड का है उसमें कांग्रेस की क्या संलिप्तता है? राहुल गांधी को और प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा को देश की जनता को स्पष्टीकरण देना चाहिए। चुनाव में अब एक महीने से भी कम का वक्त बचा है, घमासान जोरदार है, नए नए आरोपों से भी जान पहचान होती रहेगी। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से ज्यादा सफेद है, चुनावों में यह दिखाने की कोशिश कहीं ज्यादा की जाती है। उधर दिल्ली में स्मृति ईरानी राहुल और प्रियंका वाड्रा पर नए नए आरोपों का तीर छोड़ रही थी तो चेन्नई में राहुल गांधी कॉलेज की छात्राओं के बीच सरकार की नीतियों पर हमला बोल रहे थे। बेहद अनौपचारिक अंदाज में राहुल ने मोदी सरकार को तमाम मोर्चे पर कटघरे में खड़ा किया। चेन्नई के स्टेला मॉरिस कॉलेज में एक अलग ही माहौल था, राहुल गांधी का हाव भाव भी अलग था, छात्राओं से मिलने का अंदाज भी अलग था। ग्रे टी शर्ट में राहुल युवा बिरादरी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और राहुल को अपने बीच देखकर स्टेला मॉरिस कॉलेज की स्टूडेंट्स भी बेहद उत्साहित थीं। बातचीत की शुरुआत बेहद अनौपचारिक तरीके से हुई। एक छात्रा ने राहुल को सर कहकर संबोधित किया तो राहुल ने तुरंत रोकते हुए कहा, मुझे राहुल सर नहीं, सिर्फ राहुल बुलाइए। हाय सर,
Okay, so can you call me Rahul instead of sir? Okay. Makes me more comfortable. एक बार ही नहीं, राहुल ने लगातार दो बार स्टूडेंट्स को खुद को सर बुलाने से मना कर माहौल को बिल्कुल हल्का रखने की कोशिश की। चूंकि देश का माहौल सियासी हो चला है, लिहाजा राहुल भी स्वयं को इससे अलग नहीं रख पाए। कुछ ही देर में मोदी सरकार को उनकी नीतियों को लेकर घेरना शुरू कर दिया, कश्मीर से लेकर राफेल तक। 45 पीपल वो ब्रूटली मर्डर्ड in Jammu and Kashmir. And I understand that whatever opportunity the Pakistanis will get, they will take. The question is, what did the government do to protect those 45 people? हाथ में माइक लेकर राहुल तमाम छात्राओं के सवालों का जवाब दे रहे थे। उसी बहाने मोदी सरकार को भी आरोपों के कटघरे में खड़ा कर रहे थे। Personally, I liked it so much because he actually took the initiative to come over all over to Chennai and he spoke about what is necessary in our life. So I feel he might do something. Actually inspiring. Whatever questions we ask, he told directly and we are really proud of him having in our college. And छात्राएं राहुल से मिलकर बेहद उत्साहित हैं, लेकिन राहुल ने कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच अपना सियासी संदेश भी प्रसारित कर दिया। चेन्नई से शालिनी लोबो के साथ आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी ने बेबाकी से हर एक सवालों का जवाब दिया, लेकिन चुनौती उनके सामने 2019 की बड़ी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज मेरठ पहुंचकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की। तबीयत खराब होने की वजह से चंद्रशेखर का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। प्रियंका के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। दरअसल चंद्रशेखर की पश्चिमी यूपी में दलित वोटरों पर अच्छी पकड़ है। कांग्रेस की कोशिश चंद्रशेखर को अपने साथ जोड़ने की है, जिससे पश्चिमी यूपी में हाथ को और मजबूत बनाया जा सके। इस मौके पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये अहंकारी सरकार है जो युवाओं की आवाज को कुचलना चाहती है। इस नजरिए से देखना चाहिए कि एक युवा है, नौजवान है, संघर्ष कर रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं। समाज से ये कह रहे हैं कि मेरा दर्द सुन लो और ये सरकार इतनी अहंकारी बन गई कि एक नौजवान को कुचलना चाहती है। ये आवाज सुनना नहीं चाहती है नौजवानों की। रोजगार तो इन्होंने दिए नहीं, अब जब आवाज ही उठा रहे हैं, उठा ही दीजिए, कुचलने की क्या जरूरत है। ये इस लड़के की का जोश पसंद आया, मुझे ये अच्छा लगा कि वो संघर्ष करता है, वो अपने लोगों के लिए आवाज उठाता है, नौजवानों के कांग्रेस में लेकर आएंगे। उत्तर प्रदेश में 21% दलितों की आबादी है, उसी पर कांग्रेस की नजर भी है उस वोट बैंक पर। लेकिन आज प्रियंका गांधी ने इससे इनकार कर दिया कि क्या कांग्रेस में चंद्रशेखर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। उधर दिल्ली की आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सड़क पर शुरू हुई सियासी जंग अब ट्विटर पर आ गई है। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए केजरीवाल को देश का सबसे बड़ा गुंडा बता दिया। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में सियासी हलचल जोर पकड़ने लगी है और चुनावी जोश में सियासतदान शब्दों की मर्यादा और अपना होश भी खोने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ बीजेपी का मैनिफेस्टो जलाया, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उन्हें भी सुनिए और खुद तय कीजिए। अरे तुम होते कौन हो दिल्ली को पूरा राज्य देने वाले? तुम्हारे बाप की दिल्ली है? तुम होते कौन हो मनोज तिवारी? कौन होता है दिल्ली के लोगों को पूरा राज्य देने वाला? मनोज तिवारी के पिताजी ने कुर्बानी नहीं दी थी? नरेंद्र मोदी जी के पिताजी ने कुर्बानी नहीं दी थी? कुर्बानी शहीद भगत सिंह अशफाकुल्ला खान ने दी थी। उन्होंने दिल देश को जनतंत्र दिया था। अब दिल्ली की जनता अपना अधिकार लेके रहेगी। दिल्ली की इस जनसभा में केजरीवाल शायद अति उत्साह में दिखाई दिए। न सिर्फ मौजूदा सियासी किरदारों पर आरोपों का कीचड़ उछाला, बल्कि इसके दायरे में उनके परिवारों को भी धकेल दिया। होली से पहले बीजेपी मैनिफेस्टो की होलिका जलाई,
लेकिन लगे हाथ दिल्ली और हरियाणा में अपने सियासी हसरतों को पूरा करने का फॉर्मूला भी सुझा दिया। मैं राहुल गांधी जी को एक प्रस्ताव देना चाहता हूं कि हरियाणा में अगर जेजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों साथ आके चुनाव लड़ते हैं तो हरियाणा की 10 की 10 सीटों को भाजपा को हराया जा सकता है 10 की 10 सीटों पे। सियासी घमासान में सिर्फ आप ही आरोपी नहीं है, बीजेपी भी बराबरी से इस दलदल में उतर चुकी है। आपने बीजेपी का मैनिफेस्टो जलाया तो बीजेपी ने भी आपके घोषणा पत्र को भस्म किया। आज हमने इनके 70 एक्शन प्लान को, मैनिफेस्टो को इसलिए जलाया है ताकि दिल्ली की जनता देख सके कि इन्होंने अपने किए हुए वायदों को पूरा नहीं किया। अभी तो चुनावी महाकुंभ में हवन की शुरुआत है, लेकिन ये भी तय है कि सियासी शोलों में न सिर्फ मर्यादा की इमारत जलेगी बल्कि न्यूनतम शिष्टाचार की बेड़ियां भी स्वाहा होंगी। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी को 2014 में आपको बता दें 400 से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी और 4 सीटें पंजाब में उन्होंने जीती थी। इस बार भी उम्मीदें कहीं ज्यादा है, लेकिन आगे की राह इतनी मुश्किल नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए। उधर हर चुनाव में पोस्टर बैनर राजनीतिक दलों के अहम हथियार बनते हैं, लेकिन सेना के शौर्य, एयर स्ट्राइक, विंग कमांडर अभिनंदन से जुड़े सियासी पोस्टर चुनाव आयोग को मंजूर नहीं है। आयोग शौर्य पर सियासत करने वाले पोस्टर पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। सेना के शौर्य पर सियासत नहीं चलेगी, अभिनंदन की बहादुरी सियासत का मोहरा नहीं बनेगी, शूरवीरों पर बहादुरी पर सियासत का ठप्पा चुनाव आयोग को बिल्कुल मंजूर नहीं। आयोग ने इसे रोकने के लिए पहली बड़ी कार्रवाई भी की है। दिल्ली से बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने विंग कमांडर अभिनंदन का पोस्टर फेसबुक पर शेयर किया तो आयोग ने फेसबुक को पोस्टर हटाने को कहा। यानी नेता अब अपने फायदे के लिए शौर्य पर सियासत नहीं कर पाएंगे। सन 62 सन 65 सन 71 कारगिल का युद्ध हो और चाहे अभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ हो, हम हमेशा हर भारतवासी मिलिट्री और मिलिट्री के जवानों के विषय में अच्छे विचार रखता है और उसके ट्विटर अकाउंट पे और जगह जगह वो चीज़ें रहती हैं। वो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चुनाव आयोग फेसबुक और ट्विटर समेत कई सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं। आयोग की तरफ से इन प्लेटफॉर्म्स को भी ये हिदायत दी गई है कि वो चुनाव से जुड़ी सामग्री पर नजर रखें और आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने पर कार्रवाई करें। इस बारे में चुनाव आयोग के अधिकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी के अधिकारियों से भी मुलाकात कर चुके हैं। चुनाव आयोग पहले ही चुनावी पोस्टरों में सेना के इस्तेमाल पर रोक लगा चुका है, बावजूद इसके ऐसे पोस्टर अभी तक नहीं हटे हैं। जयपुर की रोड पर लगा ये पोस्टर देखिए, बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा अपने काम पर नहीं बल्कि सेना के नाम पर वोट की राह देख रहे हैं। देखिए कांग्रेस का जिस तरह से जो स्वभाव है, जिसका जो नेचर है, प्रकृति है, मुझे बड़ा दुख होता कहते हुए कि सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करने के बजाय सेना का मनोबल गिराने का काम कांग्रेस करती है। चुनावी खर्चे पर भी चुनाव आयोग ने लगाम कस दी है। उम्मीदवार की तरफ से कई लोगों को एक साथ SMS भेजने का खर्चा भी अब उसके चुनावी खर्चों में जुड़ेगा। आज तक ब्यूरो। चुनाव आयोग के मना करने के बावजूद नेता हैं कि मानते नहीं, शौर्य पर सियासत आपने देखी। उधर बीजेपी ने चुनाव आयोग से पूरे पश्चिम बंगाल को अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि सूबे के पुलिस अधिकारी TMC कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। शिकायत के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमन, JP नड्डा समेत बीजेपी के कई नेता पहुंचे। पार्टी की ओर से हमने ये मांग की है कि बंगाल हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रदेश बचा है जहां अभी लोकल बॉडीज और ग्राम पंचायत के चुनाव में 100 हत्याएं हुई हैं, जहां पर जीते हुए लोगों को जाने नहीं दिया जाता, जहां पर ऑफिसर्स मुख्यमंत्री के साथ धरने पर बैठते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी TMC और बीजेपी में आर पार की लड़ाई जारी है। बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर पश्चिम बंगाल को संवेदनशील राज्य घोषित करने की मांग की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को कुछ अफसरों की लिस्ट दी है। दावा किया गया है कि ये अफसर TMC कैडर के रूप में काम करते हैं। हमने पदाधिकारियों का नाम भी दिया है
ऐसे पदाधिकारी जिनकी निष्पक्षता बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ऐसे पदाधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से हटाया जाए। दरअसल हाल में शारदा चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के आवास पहुंची थी, तो ममता बनर्जी धरने पर बैठ गईं। अफसर भी सीएम ममता के साथ धरना मंच पर दिखे, जिसके बाद बीजेपी ने सूबे की अफसरशाही और ममता सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब बीजेपी का आरोप है कि बगैर बंगाल को संवेदनशील राज्य घोषित किए सूबे में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए, क्योंकि वहाँ हर थाने में एक सिविक पुलिस भी नियुक्त है, वो पुलिस के लोग एक प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती होनी चाहिए। बीजेपी की ओर से अपील की गई है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए एक मीडिया ऑब्जर्वर की भी तैनाती होनी चाहिए। चुनाव आयोग से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेता शामिल थे। पश्चिम बंगाल की ज्यादातर सीटों पर इस बार बीजेपी और टीएमसी में सीधी जंग के आसार बन रहे हैं। बीजेपी ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और अमित शाह ने टारगेट भी तय कर दिया है। बंगाल में कड़ा मुकाबला देखते हुए ममता बनर्जी ने सूबे की सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं, 34 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, 2 पर बीजेपी को विजय मिली थी और इस बार बीजेपी का लक्ष्य 22 सीटें जीतने का है और इसी वजह से इस तरह की रस्साकशी आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में। उधर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार फिर से विवादों में है। कमलनाथ सरकार की नई नीति में कमाई बढ़ाने के लिए देसी शराब की दुकानों पर विदेशी शराब भी बिक सकेगी। कमलनाथ सरकार के इस फैसले को शिवराज चौहान ने नशे को बढ़ावा देने वाला बताया है। एक गरीब परिवार जो किसान है, मजदूरी करता है, उसकी बेटी की जब शादी आ जाती है तो घर में हर तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है, खाना पीना करना पड़ता है, पीने के लिए और तरह की व्यवस्था है, देसी और विदेशी करनी पड़ती है। जानता हूं मैं इस बात को, तो कहां से आ रहा पैसा, इसकी व्यवस्था भी आदरणीय कमलनाथ जी ने करी। हाल में कमलनाथ सरकार के मंत्री जीतू पटवारी ने देसी विदेशी शराब को लेकर ये बयान दिया था, इस पर काफी विवाद भी हुआ। अब कमलनाथ सरकार ने नई आबकारी नीति बनाई है, जिसमें देसी शराब की दुकानों पर विदेशी शराब बेचने की बात कही गई है। दलील दी जा रही है कि इससे सरकार को ज्यादा आमदनी होगी, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से इसे मंजूरी के लिए निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया है। इतना ही नहीं, शराब दुकानों के लिए लाइसेंस फीस में भी 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव कैबिनेट ने हाल ही में पास किया था, इसे भी चुनाव आयोग की हरी झंडी के बाद लागू किया जाएगा। लेकिन सूबे के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान इसे नशे को बढ़ावा देने वाला कदम बताकर विरोध कर रहे हैं। देसी शराब की दुकानों में विदेशी शराब को बेचने की अनुमति दें, मैंने उस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया था। शराब की दुकानों की संख्या घटाना कम कर दी थी, हर साल हम कुछ शराब की दुकानें बंद करते थे, लेकिन इस सरकार ने देसी शराब की दुकानों पर विदेशी शराब बेचने की अनुमति देकर संख्या लगभग दुगनी करने का फैसला कर दिया है। ये प्रदेश को नशे में डुबाने का प्रयास है। मध्य प्रदेश में देसी विदेशी मदिरा की कुल मिलाकर 3,200 दुकानें हैं, इनमें से 2,250 देसी शराब की दुकानें हैं तो 950 विदेशी शराब की दुकानें। सरकार का अनुमान है कि देसी शराब की दुकानों पर विदेशी शराब बेचने से सरकार को करीब 1,500 करोड़ रुपए अधिक की आमदनी होगी। दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार ने इसे एक सामान्य प्रक्रिया बताया है। पिछली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनकी ही ये नीति थी कि अगर रिन्यूअल नहीं होता है तो जो है उसका स्वरूप वो बदल सकते हैं, देसी में विदेशी या विदेशी में देसी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही ये नीति बनी थी, हमने उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है, जो भी है तत्कालीन सरकार का ही नियम कानून लागू है। इससे पहले शिवराज सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे बनी शराब की दुकानों को बंद करने का बड़ा फैसला किया था, लेकिन एमपी सरकार की आबकारी नीति के बाद बीजेपी ने अपनी बंदूकों का मुंह कमलनाथ सरकार की ओर घुमा दिया है। दरअसल सरकार ने राजस्व में बढ़ोतरी के मकसद से आबकारी नीति में ये नया बदलाव किया है।
लेकिन उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री जीतू पटवारी द्वारा हाल ही में दिए गए एक बयान के बाद बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है और कमलनाथ सरकार पर नशे को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। उधर आज संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को यह तय करना है कि पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी उसे घोषित किया जाए या नहीं। सूत्रों के मुताबिक चीन ने मसूद को बचाने के लिए नई चाल चल दी है। चीन मसूद के खिलाफ सबूतों पर अड़ा हुआ है। बीजेपी की सरकार ने, वाजपेयी जी की सरकार ने स्पेशल हवाई जहाज में मसूद अजहर को डालकर उसको पैसा लेकर कांदाहार पहुंचाया। और उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है एलिमेंट्स का आतंकवादियों को आगे बढ़ाने में, इसका जवाब दिया जाए। वो जवाब दिया गया। मसूद अजहर जी के साथ बैठकर पच्चीस पाकिस्तानी आतंकवादियों को उन्होंने छोड़ा। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, जम्मू कश्मीर में भी केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। एक और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर पर एक दूसरे पर प्रचंड प्रहार वाली सियासत जारी है। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर पर शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश मोहम्मद के सरगना के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया था, आज उसके अंजाम का दिन है। हालांकि हर बार की तरह आतंकी मसूद अजहर को बचाने के लिए चीन ने नई चाल चल दी। मसूद अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित ना हो, इसके लिए चीन ने सबूतों की मांग कर अड़ंगा डाला है। सूत्रों के मुताबिक चीन इस बात पर अड़ा है कि आतंकी संगठन जैश मोहम्मद और मसूद अजहर का आपस में कोई लिंक नहीं है। चीन की दलील है कि पहले भी मसूद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने मसूद के खिलाफ सबूत के तौर पर वो टेप्स दिए हैं जो मसूद और जैश के कनेक्शन को साबित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को सौंपे गए डोजियर में भारत ने मसूद के खिलाफ सबूत दिए हैं। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव रखा है। मैंने उस दिन भी कहा था जब उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने मसूद अजहर को छोड़ा था, तो मैंने कहा था कि एक वाक्य में यदि इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस करना हो, और वही बात राहुल गांधी ने शाम को दोहराई, तो मैंने कहा था कि फारूक अब्दुल्ला इज सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ हिस्ट्री रिकॉल एंड राहुल गांधी सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ हिस्ट्री लर्निंग। पूरी दुनिया के रुख से इस बार पाकिस्तान भी डरा हुआ है। यही वजह है कि बालाकोट में भारतीय वायुसेना के एक्शन के बाद उसने अपनी जमीन पर खुलेआम घूम रहे कई आतंकियों पर कार्रवाई का नाटक किया है। लेकिन मसूद अजहर के खिलाफ इमरान सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आई होप दे आर सीरियस, मगर हर बार जब भी दुनिया के हीट उनके ऊपर ज्यादा होता है, ऐसे कुछ नाम के वास्ते एक्शन दिखाते हैं। पाकिस्तान की कूटनीतिक घेराबंदी के लिए दो दिन पहले ही भारत के विदेश सचिव अमेरिका पहुंच गए और वहां के सीनियर अफसरों से मुलाकात की। अब देखना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मसूद अजहर का जहर कैसे निकालती है। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। इसी खबर के साथ देश तक में फिलहाल इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।